इस वीडियो में हम एस्केप सीक्वेंसेस की बात करेंगे। हम अब तक एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करते थे। हम क्या यूज़ करते थे? बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। तो ये जो बैक स्पेस है इसको हम कहते हैं एस्केप करेक्टर। इसका मतलब होता है कि इसके बाद जो भी करेक्टर आएगा वो नॉर्मल करेक्टर की तरह इंटरप्रेट ना होके एक स्पेशल करेक्टर की तरह इंटरप्रेट होगा। जैसे जब बैक स्लैश के बाद एन आया तो कंपाइलर इसको क्या इंटरप्रेट करता है? न्यू लाइन। इसी तरह आपके और भी कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं सी में, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। आपका स्लैश एन किसके लिए होता है? न्यू लाइन के लिए। इसी तरह आपका स्लैश टी होता है टैब देने के लिए। आपके कंप्यूटर पर टैब की है ना, जो कि कुछ स्पेसेस आगे ले जाता है, तो उसके लिए आप सी में स्लैश टी का यूज़ कर सकते हो। स्लैश भी आपका बैक स्पेस एक करेक्टर पीछे ले जाने के लिए। स्लैश आर आपका होता है कैरेज रिटर्न, बेसिकली अभी आप जिस लाइन पर हो उस लाइन की स्टार्टिंग पर जाने के लिए। इसका यूज़ हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। इसके बाद आप प्रिंट एफ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हो ना, जैसे डबल कोट सिंगल कोट, तो अगर हमें इन्हीं को एक्चुअल में स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना हो तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बैक स्लैश के बाद सिंगल कोट, बैक स्लैश के बाद डबल कोट, और इसी तरह अगर हमें बैक स्लैश को ही प्रिंट कराना हो तो हम बैक स्लैश का मतलब है कि इसको स्पेशल की तरह ट्रीट करो, उसके आगे हमें जिसको प्रिंट कराना है उसको हम लगा सकते हैं। और स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी स्लैश आर, इस केस में क्या है, उनका मीनिंग प्री डिफाइंड है। जैसे एन का न्यू लाइन, टी का टैब, बी का बैक स्पेस, आर का कैरेज रिटर्न। तो अभी हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने कुछ प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिसमें हमने एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ किया है। हमने पहले लिखा है टैग, फिर लगाया स्लैश बी, तो इससे क्या होगा, ये करेक्टर पीछे जो आपका ये एच होगा ना, इसको रिमूव कर देगा, आपका सी पर आ जाएगा, और फिर स्पेस, फिर कोर्सेज, ये प्रिंट होगा, तो आपका ये एच प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्लैश बी लगा दिया है। इसी तरह हमने टैग के बाद क्या लगा दिया, टैब, तो आपके कुछ स्पेसेस ऐड हो जाएंगे, टैग कोर्सेज, फिर हमने लगा दिया टैग स्लैश आर कोर्सेज, इससे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पर आ जाएगा। स्लैश आर आपका क्या करता है, लाइन की स्टार्टिंग पर ले जाता है, तो ये टैग आपका ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा। किससे ओवरराइट होगा? कोर्सेज से। और लास्ट में हमने क्या किया है, हमें सिंगल कोट, डबल कोट और बैक स्लैश इनको प्रिंट कराना था, तो हमने प्रिंट कैसे कराया, बैक स्लैश इनके आगे लगा के फिर एक्चुअल में हमें जो प्रिंट कराना था उसको लिख दिया। तो हमारा आउटपुट क्या आया, पहली लाइन का आउटपुट आया टी ई सी, फिर स्पेस कोर्सेज, हमारा एच रिमूव हो गया। सेकंड लाइन का आउटपुट क्या आया, टैग के बाद आपके कुछ स्पेसेस आ गए, ये स्पेसेस बेसिकली क्या है, आपके टैब, फिर हमने टैग स्लैश आर कोर्सेज लिखा था, तो आपका टैग ओवरराइट होना शुरू हो गया, क्या आया आपका, कोर्सेज, क्योंकि स्लैश आर क्या करता है, आपका स्टार्टिंग में ले जाता है लाइन के। फिर हमने सिंगल कोट, डबल कोट और बैक स्लैश को प्रिंट करवाया था। तो जनरली इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाता है कि अगर आपको बैक स्लैश, डबल कोट, सिंगल कोट इनको प्रिंट कराना हो तो आप कैसे करा सकते हो, तो कैसे करा सकते हैं, हम उसके आगे बैक स्लैश लगा देंगे, फिर हम उसको प्रिंट करा देंगे, तो वो प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।